लो भाई नहाना है तो उठाओ। अर्कीपोडी के पास पहुंच गए हैं और ये भाई और हमारे अपने कच्चे बनियान संभालते हुए ये गोता मारे गए भाई। पंडित कल फिर माना मार जाएगा सवेरा को नहीं मारा जावे। कलर देख लो भाई बैग का अपने भाई नहाने वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, अपना टॉवल वगैरह और अपने अंडर गारमेंट्स ले रहे हैं। अभी बस हमने SP ऑफिस में हमारे कोई यहाँ पे भाई थे तो उनसे बात करके यहाँ पे पार्किंग में लगवा दी गाड़ी पुलिस ऑफिस में और अब जा रहे हैं बस गंग रहने दो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। रास्ता कहाँ से है इसका? अच्छा बंद है और है, हाँ ये रहा बंद है। चलो भाई सारे रास्ते बंद हो रखे बोल गंगे मैया की जय। बोलो भाई गंगे मैया की। वो सोनल के फोन आने लग रहे क्या कहना उसको? क्या पहला बाड़े गोता मार लेंगे क्या क्या? चले भाई अभी हम जा रहे हैं अर्कीपोर्ट। भाई साहब मैं बाइक पता कहाँ लेके गया था, यहीं से लेकर पूरा क्रॉस कर लिया मैंने। भाई जब मैं पिछली बार बाइक से आया था ना अपनी, तो मैं इसी रूट से सीधा यहीं क्रॉस कर लिया था और सीधा मैंने पार किया था अर्कीपोड़ी के पास उतर गया था। बाइक वगैरह तो अलाउड है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी देखने के लिए। लो यार की पौड़ी है ये सामने। भाई मेरे को ना गर्मियों में ज्यादा मजा आता है क्योंकि नहा लेते हैं भाई। मैं तो नहाने से रहा अभी अपने को तो ये भाई अपना जुगाड़ पानी कैंपों में लगाने की कर रहे हैं भाई। फोन पे फोन मैं बताऊं भाई साहब एक बात। हेलो भाई अरके हाँ भाई तो आज का कैसा रहा? नहीं रखो तो बढ़िया भाई। ट्रैवलिंग गंगे मैया की जय हो। देखो हर किसी को एक दिन आना हम पहला हाँ जगह बुक कर गए जगह बुक और वो अपने पाया पा गए भाई नहीं तो रह कर पा हाँ नहीं तो वरना किसी के कंसार आ गए कंधे पे आ गए भाई। आज नहीं तो कल तो आएंगे 20 साल बाद आएंगे एक दिन यहाँ पे पहले आ जाओगे तो अच्छी बात है नहीं तो पाछे ले जाओ भाई। गंगा का जो वैसे तो फ्लो बहुत तेज है अगर गर्मी होती ना भाषा में आने तो बीच में। चलिए भाई और ऊपर जैसे जा रहे थोड़ा फोगी सा हो रहा है। हाँ सर्दी तेरे हट है भाई साहब बिल्कुल अच्छी है अपने को वो रंग वो हो जाए उसका क्या उसकी वीडियो बहुत देखता हूं क्या उसी में लाओ यार मैं का रंग देख के हां वो रे पूरे रंग भाव और आप ये देख सकते हैं पीछे पानी तो बिल्कुल ब्लू है बट थोड़ा सा बस वही भाव तेज है और इतनी हवा चल रही है मेरे को तो पता नहीं ये नहाएंगे या नहीं नहाएंगे भाई पक्का। अभी इनका वहां पे जाके जब कपड़े वगैरह तब दिखेगा प्लान वगैरह चेंज होएगा या नहीं। ये देखिए पानी कितना बिल्कुल ब्लू है लेकिन भाव बहुत तेज है और ये सामने आप देख पा रहे हैं यार की पौड़ी है बट अभी जैसे ज्यादा ऑफ सीजन है तो आप देख सकते हैं कि मेन रोड के ऊपर ही काफी सारे ये वेंडर्स वगैरह बैठे हैं। बट मैं तो बोलता हूँ कि अलाउड नहीं करना चाहिए क्योंकि बाय चांस कुछ भगदड़ हो जाए कुछ हो जाए तो इस की वजह से काफी ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता है। ये हमारे भाई साहब नहा लो इतनी ठंड में भाई टेम्परेचर यहाँ का होगा अब 2 या 3 डिग्री और भाई साहब कह रहे बिना नहाए मैं तो जाऊंगा ही नहीं। हमारे पंडित जी फंस गए हैं उनका मन अभी 50-50 है वो सोच रहे हैं कि भाई साहब मना करे तो मैं करूँ क्योंकि भाई देखो इसे बोलते हैं नहाने का मन है पक्का खामा कसम बिल्कुल बनिया ये शेखर भाई के चक्कर में फंसा हुआ मना नहीं कर पा रहा मेरे को आज नहीं लगाएंगे कल ये बिल्कुल ऐसी बातों में आगे फंस गया है ये ना नहीं कर सकता अब। अरे नहीं ओड ओड पता क्या ओड नु है हाँ तो ओडे चलो नहीं हाँ तो इधर से जाएगा ना ऊपर से तरफ ऊपर आना पड़ेगा वापस जो इधर से घुमा गया सारा कट वही बना रहे अच्छा ये पंडे बैठे हैं भाई ये अपना आपके जो उच्चारण मंत्रालय करते हैं हाँ
आपकी वो अंत्येष्टि क्या करवाने पड़ता है वो जब बाद में वो क्या बोलते हैं उसको शुद्धिकरण क्या भाई मेरे को आइडिया नहीं है। ये हमारा पंडित है इसको भी नहीं है भाई। ओ भाई कैसा पंडित है तू भाई, गंदे वाली ठंड हो रखी है यहाँ पे। बाकी भाई मेरे को आज तक ये नहीं पता चला ये पक्का जो ओरिजिनल चोटी वाला कौन सा है। कम से कम जहाँ पे भी जाओ आपको ये 10 तरह के चोटी वाला दिखेंगे। ऋषिकेश जाओगे वहाँ पे भी चोटी वाला दिखेंगे आपको। बस ऊपर के करन जाओगे बाकी अभी आप देख ही सकते हैं कि गंगा माता कितनी ब्रॉड है। मेन तो वैसे नहाने के लिए अगर सेफ नहाना चाहते तो आप हमेशा उस बड़ी नदी के साइड में जाइएगा। यहीं से यहाँ से हाट भी 3 या 4 फुट पानी रहता है। उस साइड तो 10 से 15 20 20 फुट पानी रहता है। वैसे इस साल यहाँ पे सफाई भी हुई है तो सेफ ही है ज़्यादा, आप नहा सकते हैं इजली। और यहाँ पे मेन आरती होती है बस अभी होने वाली है थोड़ी देर में स्टार्ट। सामने घंटाघर देख सकते हैं बिल्कुल। अभी हम ये हर की पौड़ी के ऊपर ही खड़े हैं। नहीं अरे लो अपने वाले लोंडे तो गए नहाने। करी बीफ वगैरह खाने वगैरह के होटल रेस्टोरेंट काफी सारे मिल जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे। चले भाई टावर के पास चलते हैं। वो बोल रहे कि टावर के पास ही नहा रहे हैं वो तो अभी बुला रहे हैं लेकिन मैं आगे से जाऊंगा। बाकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे हर की पौड़ी के आसपास। भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप फुल भाव है यहाँ पे। हाँ लेकिन अभी मानसून का सीजन नहीं है तो वाटर वगैरह क्लीन होता है। मानसून के टाइम में तो वो मिट्टी वाला पानी होता है ज़्यादातर। ये वॉच टावर अब तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा कर दी। और कई बार क्या होता है जब बहुत ज़्यादा तेज पानी आता है तो यहाँ तक भी गंगा मैया का पानी पहुँच जाता है। भाई अपने गंजे और कान आ रहे हैं दिख नहीं रहे अभी। बोल तो रहे थे कि टावर के ये टावर है यहाँ का जब ले ले। वो जिसे हम घंटाघर बोलते हैं तो वो बोल रहे कि इसके आसपास ही है वो रहे हमारे गंजे। और हाय हेलो कर रहे हैं। रुको अभी आपको मैं जूम करता हूँ। वो रहे भाई अपने वाले गंजे। भाई मेरा तो इतनी सर्दी में नहाने का मन है नहीं। भाई साहब पंडित वो मार गए भाई डूबी। वैसे एक बात है जब जैसे आप नहाते हो तो भाई सर्दी लग जाती है वही एकदम ऐसे दूर हो जाती है। वैसे भाई वो एक बात हो है जब हम ऐसी जगह जैसे अभी हरिद्वार आए हुए हैं या फिर अपना ऋषिकेश वैष्णो देवी यहाँ पे जाके एक मन में एक अलग सी शांति आती है। बड़ा ऐसे पॉजिटिव सा फील होता है भाई मेरे साथ होता है बार जब भी मैं जाता हूँ इस जगह पे। लो भाई हमारे बंदे मोबाइल में अपना अभी फोटो वगैरह कैप्चर करने में बिजी है देखिए। अपना पूरे पोज वगैरह चल रही है दोनों भाइयों के। ये तो है जब आप दो तीन लोग आते हैं तो आपको काफ़ी ऐसे
एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है, काफ़ी कुछ अच्छा होता है। तो मैं तो कहता हूँ हमेशा ऐसी जगह पे अपना हमेशा फ्रेंड फ्रेंड के साथ आइए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। चलो भाई, हमारे भाई भी आगे की तरफ चल रहे हैं अभी, और ये यहाँ पे आपकी आरती वगैरह पूजा के लिए आपका सामान वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। ज़्यादा मुझे वैसे नॉलेज है नहीं यहाँ की। गाड़ियां आई है ना, आपने नोटिस किया सारी यूके, नहीं यूके नंबर की। बाकी अभी गंगा मैया में यहाँ पे पानी कम है, ये सारा पानी उधर भेजा जा रहा है गंगा अपना। देखो भाई यहाँ पे तो सूखी है भाई गंगा, इसका काम हुआ किसका, उसका ही हुआ है, उसका ही हुआ था पहले, फिर उसमें छोड़ दिया था ये सारा। हाँ, कर दिया भाई, था वो डैम है भाई, मेन नदी तो यही है, वो बैराज है, बैराज में पानी करके वो ओडे मोड़ दे उसने पानी कैसे कर दिया। हाँ, हाँ, कर लिया था, हाँ, पे काम चला था इसमें उस, वो बैराज इसलिए यही है कि पानी किधर करना है, किधर भी करना है, इस साइड या उस साइड, ज्यादा आ जाए तो दोनों खोल दो। हाँ, किस तरह लग रही है, कहाँ पे किस तरह कूड़े के ढेर लग रहे हैं, छोटे छोटे उठाते आने लग रहे हैं, मोटा मोटा ही उठा रहे हैं बारीक यार, मोटा मोटा भी अपने तो साले मोटा भी कुंठा दे, अपने आशिक का तो बुरा हाल किया हुआ है, सुधार कर नहीं सकते ना। अरे कर सकते भाई, भाई जब तक जातिवाद से वहाँ पे एमएलए बनेगा यही होएगा। काम छोड़ने यार, जातिवाद क्या करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई साहब। हेलो भाई, और अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। आपने मेरे बाइक के ऊपर ट्रिप देखा ना, बहुत गंदे वाले है, और हम ये जंगलों के बीच से जा रहे हैं, इसको बोलते हैं चिल्ला रिजर्व। यहाँ पे हाथी हिरण वगैरह काफी सारे और लेपर्ड वगैरह भी दिख जाते हैं। किस्मत हो तो, किस्मत हो तो अच्छी किस्मत। बाकी जो रूट है काफी अच्छा है, बहुत प्यारा है, मैं तो वैसे 3-4 बार आ लिया पहले से। लो भाई, और ये भी हम पहुंच गए हैं जो चिल्ला डैम बोलते हैं इसको। हाँ जी भाई साहब, इसके बारे में क्या आपको पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, आप तो आते रहते हो। बिल्कुल नॉलेज नहीं है डैम के बारे में मुझे, विद्युत जल परियोजना है ये। हाँ, काफी पुरानी है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। विद्युत ग्रह चिल्ला भाई, गंदे वाली ऐसे हवा चल रही है यहाँ पे, फुल ठंड। ले भाई, जब आप इस रास्ते से जाते हो ठीक, तो आपको एक ये छोटी सी ऐसे नदी टाइप की मिलती है, नदी तो क्या रजबाया टाइप है, और यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं देखिए, और इसी के अंदर से ही गाड़ियाँ वगैरह जाती है। ज्यादा पानी नहीं होता, थोड़ा बारिश के दिनों में काफी पानी होता है यहाँ पे। हाँ भाई, बढ़िया जगह है ना, अच्छा है ना, सही आ गया हाईवे, हाईवे से। भाई साहब जी बोलिए, भाई आप इस रूट से बिल्कुल आओ, वर्थ है। मैप से भी कर सकते हो आप, एक वो मैप से कर लो कि चिल्ला वाला रोड कौन सा है, चिल्ला डैम वाला, तो उससे आना है, और इतना प्यारा रास्ता है बिल्कुल नदी के किनारे, और बहुत बढ़िया, आप फुल एंजॉय करोगे इस रूट को, और काफी फैमिली वगैरह आपको दिख जाएगी, ये पानी वगैरह यहाँ से चलता हुआ। और बारिश के दिनों में तो भाई ये पे गंदे वाला, यहाँ पे पहले यहाँ पे ये पुल होता था, ये टूट गया अब, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आज भी याद है, जब मैं पहली बार आया था तो पुल के ऊपर से गया था। देखिए जैसे ये पुल टूटा हुआ गिरा हुआ है, ये रहा, यहाँ पे ऐसे हमारे कोई हादसा हुआ था जब पुल टूटा था, तो कोई मरा भी था ऐसे। इसकी भीड़ भी जाती होगी। ले भाई, ये हम जैसे साइड साइड से ये अपना गंगा नदी बह रही है, और इसके साथ साथ ये पूरा रास्ता ऋषिकेश से हरिद्वार तक आता है, तो काफी अच्छा एडवेंचर ऐसा है। और साइड में ये आप देख पा रहे हैं जंगल वगैरह आगे, तो आप एज ए फैमिली आओ तो डे में आए, इवनिंग में आने से बचे यहाँ पे, और नाइट में तो गाड़ी से बिल्कुल बाहर ना निकले भाई, क्योंकि लेपर्ड वगैरह के आपके ज्यादा अटैक वगैरह अटैक होने के काफी यहाँ पे न्यूज आती रहती है। फुल जंगल है ये साइड में। इस साइड तो बंद जा सकते हैं, यहाँ पे वो क्रॉसिंग वाले।
लो भाई फाइनली आज सुबह हम 8:30-9 बजे 9 बजे के आसपास चले थे ना भाई घर से, और अभी घूम घुमा के अभी टाइम क्या हो गया देखियो पंडित, 6 बज गए भाई साहब, और हम अब जाके ऋषिकेश पहुंचे घूमते इधर उधर। बाकी दोनों मेरे बड़े भाई तो आ रहे हैं, नहीं हाँ हाँ वो दूसरे रूट से रह गया होगा ना, और ये हम भाई दोनों भाई गंगा में गोते गुते मार के भाई साहब। अब सर्दी लग रही है आपको? बिल्कुल भाग चुकी है भाई, एक बार गंगा में एक बार तो लगती है सर्दी, जब आप एक बार नहाते हो स्टार्टिंग में फिर तो ठीक हो जाता है। ड्राइविंग है, दूर तक भाई साहब लग गया डर। हाँ नहीं मानता मैं इस चीज को,